नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिहार में टूरिस्ट की सुरक्षा के लिए स्थानीय थाने से जोड़े जाएंगे सभी पर्यटन स्थल, ऐप से होगी निगरानी। बिहार में पर्यटन स्थल तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके साथ ही अब पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर पर्यटन विभाग नई व्यवस्था करने जा रहा है। पर्यटन विभाग ने पर्यटन क्षेत्र को स्थानीय थाना से जोड़ने का निर्णय लिया है। इन क्षेत्रों की निगरानी ऐप से होगी और मुसीबत में फंसे पर्यटकों को तुरंत सहायता दी जाएगी। बिहार में देश विदेश के पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा और बेहतर करने के लिए पर्यटन विभाग तैयारी कर रहा है। पर्यटन विभाग के स्तर पर इसको लेकर काम तेज कर दिया गया है और अगले माह से सभी थानों में ऐप को जोड़ दिया जाएगा ताकि पर्यटकों तक हर सुविधा तुरंत पहुंच सके। कोरोना के बाद हुई विभागीय समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया था। सभी पर्यटन क्षेत्रों में CCTV कैमरा लगाए जाएंगे। जहाँ पर कैमरा की कमी होगी उस जगह पर अगले माह तक कैमरा लगाया जाएगा। इस संबंध में विभाग ने सभी जिलों को यह निर्देश दिया है कि कैमरा की जाँच नियमित करे और जहाँ कैमरा लगाने की जरूरत है वैसे जगहों की रिपोर्ट बनाकर विभाग को दे ताकि इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वेबसाइट पर गाइड का पूरा डिटेल रहेगा, उनके बारे में स्थानीय पुलिस और विभाग के पास पूरा ब्यौरा रहेगा। बिहार विधान परिषद चुनाव की घोषणा, 4 अप्रैल को होगी स्थानीय निकाय वाली सीटों के लिए चुनाव। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्थानीय निकाय कोटे से विधान परिषद की जिन 24 सीटों पर चुनाव होना है उसकी तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग में 4 अप्रैल को मतदान की तारीख तय की है। 9 मार्च को विधान परिषद चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार अपना नामांकन 16 मार्च तक करा पाएंगे, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 17 मार्च को होगी। 21 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 4 अप्रैल को मतदान का दिन रखा गया है। सुबह 8 से शाम के 4 बजे तक वोटिंग होगी। विधान परिषद चुनाव के लिए मतगणना 7 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि पहले से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद बिहार में विधान परिषद चुनाव का बिगुल बज सकता है। चुनाव आयोग ने इसका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। बिहार में 31 मार्च के बाद शहरी क्षेत्र में नहीं चलेंगे डीजल वाले तिपहिया वाहन। पटना के शहरी क्षेत्र में 31 मार्च के बाद डीजल से चलने वाले तिपहिया वाहन यानी कि ऑटो के परिचालन पर रोक लगा दी जाएगी। परिवहन विभाग के बजट में बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 के अंतर्गत पटना नगर निगम, दानापुर, खगौल और फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में डीजल चालित ऑटो का परिचालन बंद हो जाएगा। जानकारी के अनुसार राजधानी में 35,000 से अधिक ऑटो चलते हैं, इसमें 70% ऑटो CNG में तब्दील हो चुके हैं। इसमें अब मात्र 7,000 डीजल चालित ऑटो पटना जिले में चल रहे हैं। इन्हें भी एक महीने के भीतर CNG में तब्दील कर लिया जाएगा। CNG में तब्दील करने के लिए ऑटो चालकों को परिवहन विभाग की ओर से अनुदान दिया जा रहा है। बता दें कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है। इससे पहले बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से पटना नगर निगम, दानापुर, फुलवारी शरीफ और खगौल में 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के चलाने पर रोक लगा दी गई थी। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को कोर्ट ने भेजा नोटिस, आदेश के बावजूद पीपी की बहाली नहीं होने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। गैर कानूनी तरीके से हटाए गए मोतिहारी के लोक अभियोजक यानी कि पीपी जयप्रकाश मिश्र के मामले में आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की है कि आखिर अदालत के आदेश के बावजूद पीपी को अब तक पद पर बहाल क्यों नहीं किया गया है। कोर्ट ने इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव को नोटिस जारी किया है। जस्टिस पीबी बजंत्री की एकलपीठ ने गैर कानूनी तरीके से हटाए गए मोतिहारी के लोक अभियोजक जयप्रकाश मिश्र द्वारा अदालती आदेश का अवमानना को लेकर दायर अवमानना याचिका पर अधिवक्ता राजीव रंजन व अधिवक्ता डॉक्टर सतीश चंद्र मिश्र को सुनने के बाद उक्त आदेश को पारित किया। वहीं इससे पूर्व कोर्ट ने विधि विभाग के संयुक्त सचिव को नोटिस जारी करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। कोर्ट का कहना था कि विधि विभाग के संयुक्त सचिव उमेश कुमार शर्मा को खुद पहल करनी चाहिए थी, पटना हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए था। इस मामले पर आगे की सुनवाई 10 दिनों के अंदर की जाएगी।
CMIE की रिपोर्ट में खुलासा, बिहार के शहरों में गांवों से ज्यादा बेरोजगारी सामने आई, ये वजह। देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। जनवरी की तुलना फरवरी में देश भर में रोजगार के अवसर कम हुए हैं। इसका असर बिहार पर भी पड़ा है। बिहार के शहरों में गांवों से ज्यादा बेरोजगारी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के फरवरी महीने के ताजा आंकड़ों से इसका खुलासा होता है। इसके मुताबिक बिहार के गांवों की बेरोजगारी दर 13.5% है, जबकि शहरों में 17.1% बेरोजगारी है। इसका मतलब ये है कि काम पाने के योग 100 लोगों में से 17.1 और हजार में 171 लोगों को काम नहीं मिल रहा है। राहत की बात यह है कि राज्य में यह वृद्धि बहुत अधिक नहीं है। जनवरी में यह 13.3% थी, फरवरी में 14% है। कोरोना काल में काम धंधों के बंद होने के बाद बड़ी बेरोजगार बिहार में लगातार घट रही है। खासकर राज्य सरकार द्वारा संचरणागत परियोजनाओं में निवेश के कारण लोगों को काम मिलने में तेजी आ रही है। ग्रामीण इलाकों में मनरेगा जैसी योजनाओं के कारण खेती के साथ ही बाकी रोजगार भी लोगों को मिल रहा है। बेगूसराय रेलवे स्टेशन की बदलेगी सूरत, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया सर्वे। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बेगूसराय रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए सर्वे किया। 4 सदस्यीय टीम के द्वारा सर्वे कार्य किया गया। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीनियर मैनेजर विनोद कुमार के नेतृत्व में स्टेशन पर पैसेंजर से इंटरव्यू सर्वे, पार्किंग सर्वे, रोड व ट्रैफिक सर्वे एवं यात्रियों के स्टेशन परिसर में प्रवेश व निषेध पर सर्वे किया गया। सर्वे करने के दौरान अथॉरिटी के सीनियर मैनेजर ने कहा कि रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए यह सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के बाद रिपोर्ट तैयार कर अथॉरिटी को सौंपी जाएगी, जिसके बाद रिपोर्ट के आधार पर यहां विकास कार्य शुरू किया जाएगा। बिहार के बजट में महिलाओं की सुविधाओं का भी जिक्र, जानिए नीतीश सरकार से क्या मिली सौगात। बिहार सरकार ने नए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2,37,691 करोड़ रुपए का नया बजट पेश किया। डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विधानमंडल के दोनों सदनों में इसे प्रस्तुत किया। सरकार के तरफ से बजट पेश करने के दौरान वित्त विभाग का जिम्मा संभाले तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि सरकार ने महिलाओं की सुविधाओं का भी विशेष ख्याल रखा है। राज्य सरकार 2022-23 में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, अल्पसंख्यकों व अन्य वांछित सभी वर्गों के कल्याण के लिए कुल 12,375 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पोषाहार योजना के तहत आंगनबाड़ी के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष के सामान्य कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों व गर्भवती को पूरक पोषाहार दिया जा रहा है। सरकार ने बताया कि 2021-22 योजना के तहत 27.28 लाख बच्चों को पका भोजन, 23.32 लाख बच्चों के लिए टेक होम राशन तथा 10.52 लाख गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को टेक होम राशन दिया गया है। बिहार के केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन बड़े बदलाव के साथ शुरू, जानिए किन बच्चों को मिलेगी प्राथमिकता। बिहार समेत तमाम जगहों के केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। पहली क्लास में दाखिले के लिए 28 फरवरी से 21 मार्च तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि तय की गई है। इस संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। कक्षा 1 के साथ ही अन्य कक्षाओं में भी सीटें खाली रहने पर नामांकन किया जा सकता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कक्षा 1 में नामांकन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। कक्षा 1 में नामांकन के लिए आयु सीमा पहले 5 साल निर्धारित थी, अब इसमें 1 साल का विस्तार कर दिया गया है। अब कक्षा 1 में 6 साल की उम्र में दाखिला लिया जा सकेगा। 31 मार्च को उम्र की गणना की जाएगी। एडमिशन में आरक्षण रोस्टर का भी पालन किया जाना है, साथ ही 25% सीट RTE के तहत आरक्षित रहेगा। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन फॉर्म 2022-23 के लिए kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिहार के पारस अस्पताल में लीवर का सफल ऑपरेशन, सिर्फ 30% लीवर पर जिंदा है कैंसर पीड़ित महिला, डॉक्टरों का दावा, यह बिहार का पहला मामला। राजधानी पटना स्थित पारस HMRI हॉस्पिटल के डॉक्टरों को बड़ी सफलता मिली है। यहां के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने एक 65 वर्षीय महिला के लीवर का सफल ऑपरेशन किया है। महिला का लीवर 70% खराब हो चुका था। पित्त की थैली में हुए कैंसर के कारण लीवर ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टरों की टीम ने 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद महिला का 70% लीवर काटकर निकाल दिया। अब मात्र 30% लीवर पर महिला जिंदा है। पारस अस्पताल के डॉक्टरों का दावा है कि यह बिहार का पहला ऐसा मामला है, क्योंकि
जबकि ऐसे मामले देश के लिए भी रेयर है। बिहार में बढ़ती लीवर की समस्याओं को देखते हुए पारस हॉस्पिटल में लीवर क्लिनिक को लॉन्च किया गया है। बताया जा रहा है कि मोतिहारी की रहने वाली 65 वर्षीय रजिया खातून को पित्त की थैली का कैंसर था। कैंसर के कारण लीवर भी प्रभावित हो गया था। लीवर के दाएं भाग में खून की सप्लाई एवं पित्त की नली को भी अपनी चपेट में ले लिया था। डॉक्टरों का कहना है कि 60-70% लीवर पूरी तरह से खराब हो गया था। सिपाही बहाली में फर्जीवाड़ा, अपनी जगह दूसरे को बैठाकर दी लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट हुआ तो पकड़ी गई। बिहार में चल रही सिपाही बहाली में दो फर्जी महिला अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। दोनों ही परीक्षार्थियों ने स्वीकार किया है कि सिपाही बहाली के लिए हुई लिखित परीक्षा में अपनी जगह दूसरे को बिठाया था। सिपाही बहाली परीक्षा में शुक्रवार को चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा में दो महिला अभ्यर्थियों को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने हिरासत में भेज दिया। बता दें कि बिहार में चल रही सिपाही बहाली शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान पटना स्कूल के मैदान पर दोनों आवेदिकाओं की अंगुली के निशान नहीं मिले। शक होने पर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों ने फर्जी तरीके से लिखित परीक्षा पास होने की बात स्वीकार की। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।